नमस्कार। और आज का वीडियो ना बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो आप अपने सामने देख रहे हैं ना, ये देखिए, इन नए पिनहेड्स ये निकल के ही नहीं आ रहे थे। और आज के दिन इसको, आज 14 दिसंबर है 2020 का, तो ये बैग मैंने लगाया था 21 नवंबर के आसपास। तो क्या हुआ ना कि एक बैग से तो 16-17 दिनों में मशरूम ओक की उपज निकल भी आई, और ये बैग उसके 24 घंटे बाद लगाया था, और इसमें तो पिनहेड्स भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा ना डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो ये अंदर ही अंदर से ख़राब हो गया हो, या फिर कुछ और दिक्कत आ गई हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ें मैंने अपने आप सीखी हैं, मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, तभी मैंने आपको बोला कि मैंने एक एक्साइटिंग वीडियो ये इसलिए होने वाला है क्योंकि आपको एक अमेजिंग इन्ग्रीडियंट बताऊँगा जिससे कि ये देखिए पिनहेड्स, एक से डेढ़ दिन में पिनहेड्स निकल आए हैं ऑटोमेटिक। और मैं जो इंग्रेडिएंट बताने वाला हूँ वो है ये, और उसका तरीका भी बताऊँगा उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपको पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ, पहले तो मैं आपको ना एक राउंड दिलवा देता हूँ, एक बेसिकली 360 डिग्री दिखा देता हूँ कि जो ये पिन हेड्स हैं कितने सारे निकल आए हैं, और ये सिर्फ एक से डेढ़ दिन में हुआ, और ये मजाक की बात नहीं है। ये देखिए कितने सारे पिन हेड्स हैं, ये पिन हेड, यहाँ पे पिन हेड, ठीक है, और ये वाला पिन हेड, और यहाँ पे पिन हेड, हर जगह ही पिन हेड निकल के आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक्साइटिंग लगा मुझे देख के। मैं ऐसे रोटेट करने को, ये देखिए, ठीक है ना। और मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ, दूसरी तरफ देखिए, ये देखिए। और ये कोई भी पिनहेड नहीं थे डेढ़ दिन पहले तक, कुछ भी नहीं था इसमें। ये देखिए, हर जगह। और ये बहुत छोटा सा बैग है, मैं आपको बता दूँ, मुश्किल से इसका वेट जो होगा ना 2-2.5 किलो होगा, ठीक है ना। तो ये रेगुलर 5 किलो वाला जो बैग है, जिसके मैंने और भी वीडियोस बनाए, ये वैसा नहीं है। ये मैंने छोटा सा बैग बनाया क्योंकि मेरे पास भूसा कम था, तो मैंने इसमें बीज ज़्यादा डाल दिए, स्पॉन ज़्यादा डाल दिए, और भूसा कम ही यूज़ किया था। तो मुझे पता नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी कि इसमें से कुछ निकल आएगा। तो ये देखिए, मैंने आपको पूरा का पूरा एक गोल चक्कर घुमा के दिखा दिया है, कितने बढ़िया पिनहेड्स निकल आए हैं। और अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहले तो आपको ना ये जो मैंने आपको बताया, ये जो सीक्रेट सॉल्यूशन है, इसको सीक्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका मैं ऑब्वियसली आपको इंग्रेडिएंट बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको पता ही है ना, ये सिरिंज है, तो आपको ना ऊपर नहीं डालना है क्योंकि मशरूम के पिनहेड्स बाहर हैं, तो ऊपर डालने से कुछ बेनिफिट होगा नहीं, ऑब्वियसली उसकी रूट्स अंदर है, तो डालना अंदर ही है। तो पहले आपने ये निकाल लिया, उसके बाद सिंपल तरीके से आप इसको डिप करें जैसे डॉक्टर करता है, बस वैसे ही भरना है इसमें, और ऐसे करके आप चाहे इससे डाल दें, चाहे सुई लगा के डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है ना। ये सुई मैंने लगा ली है इस पर, अब यहाँ से ये हटा दिया है, और ये देखिए मैंने कर रहा हूँ इंजेक्ट, इस तरह दिखाने के लिए कर रहा हूँ इंजेक्ट, ज़्यादा नहीं डालना है ये, है ना। थोड़ा सा ऊपर आ भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, मेजॉरिटी तो अंदर ही जाएगा, है ना। अब ये हो गया, मैंने आपको एक टेक्निक बता दी है कि कैसे इसको पानी देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो आप वेट कर रहे होंगे जिस चीज़ की, और जिसको करने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि मैंने इतने सारे पिनहेड्स देखे इतने छोटू से बैग में। इतना छोटू सा बैग है ये देखिए कितना छोटा सा बैग है ये लिटरली। तो मैं अब आपको बताता हूँ सीक्रेट इन्ग्रीडियंट। मैंने क्या किया कि जैगरी, इसको कहते हैं गुड़ को किया पानी के अंदर डाला, पानी को अच्छे से उबाला, क्योंकि देखिए गुड़ तो मिक्स होगा नहीं जब तक आप पानी को अच्छे से उबालेंगे नहीं। तो पानी को आप उबाल रहे हैं, उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए। अब कितना डालेंगे आप लगा लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम डालिए 300 ग्राम पानी में, या 75 से 100 ग्राम 300 ग्राम पानी में, 300 ml पानी में बेसिकली, या अगर 1 लीटर का लेना है तो 1 लीटर में आप लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम के आसपास 1 लीटर में जैगरी या गुड़ डाल दीजिए, और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए, गर्म पानी ना डाल देना वरना ये जो निकल के भी आए होंगे वो भी मर जाएंगे, है ना, बिकॉज दे आर सेंसिटिव प्राणी होते हैं ये, जैसे बाकी पौधे होते हैं, गर्म पानी नहीं डालना चाहिए उस पर। तो थोड़ा पानी को ठंडा होने दें, 1-2 घंटा का टाइम दें। तो ठंडा होने के बाद सिंपल है, इंजेक्शन लिया, इसके अंदर डाल दिया, तो आप देखेंगे कि अगर आपके पिनहेड्स नहीं निकल के आए 24-36 घंटे के अंदर अंदर, ये जादू हो जाएगा आपके साथ भी। ये देखिए, ये जादू ही जादू है ना। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 3 दिन बाद इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। ये नया बैग है, दूसरा वाला है, पुराना नहीं है, ये नया वाला है, ये सेकेंड वाला मैंने जो बनाया था, और मैं आपको दिखाऊँगा कि कितने बढ़िया, मुझे फिंगर्स क्रॉस्ड, मेरे को उम्मीद है कि
इसमें से भी बहुत बढ़िया उपज निकलेगी, बहुत बढ़िया मैं हार्वेस्ट निकाल पाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया पूरा बैग कोल घुमा के कि इसमें अलग अलग जगहों से पिनट निकल आए हैं, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।